जो हमारी आर्मी ने आज बम ब्लास्ट किया, ये पाकिस्तान से गोला आया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर और मैं हूं अंकित केसर। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और आए दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन करता जा रहा है। इसी के चलते पाकिस्तान की अब हरकत तो देखिए, पाकिस्तान अब रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाता जा रहा है, मासूम लोगों की जान लेने पर तुला है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान द्वारा नौशेरा सेक्टर के पुखरनी गाँव में लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया गया और लगातार पाकिस्तान मोर्टार के बड़े बड़े शेल दागता रहा। कुछ शेल तो फट गए लेकिन कुछ जिंदा मोर्टार शेल वहीं पे लोगों की ज़मीनों में पड़े रहे। पाकिस्तान की इस हरकत से लोग काफ़ी नाखुश हैं और अब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। दर्शकों, आपको बता दें कि जब इस लाइव शेल को ग्रामीणों ने देखा तो वहाँ पर एक दहशत का माहौल बन गया और उन्होंने जल्द ही वहाँ के सेना से संपर्क कर इस शेल को निष्क्रिय करने की मांग की और सेना ने भी अपनी जान को जोखिम में डालकर तुरंत ही उस लाइव शेल को निष्क्रिय कर लोगों की जानों को बचाया। और जब हेडलाइंस इंडिया की टीम से लोगों की बात हुई तो उन्होंने एक कहा कि अगर ये शेल फट जाता तो एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता था, हम लोगों की जाने तक भी जा सकती थी, लेकिन सेना द्वारा अपनी हिम्मत दिखाकर उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर इस लाइव शेल को निष्क्रिय कर हम लोगों की जानों को बचाया। और सेना इसी तरह से पहले भी कई लाइव शेलों को निष्क्रिय कर चुकी है। जो हमारी आर्मी ने आज बम ब्लास्ट किया, ये पाकिस्तान से गोला आया तो वो आकर मिस हो गया शीप फार्म के अंदर, तो इसमें हमारे बहुत बड़ा नुकसान था। पशु मारे जाते, हाल चलाते, फार्म वाले को नुकसान हो जाता, वो गाड़ी नुकसान हो जाती, सिविल नुकसान हो जाता। हमारी फौज का बहुत बड़ा शुक्रिया है कि इन्होंने अनकारा किया। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं शी फार्म में एम्प्लाई हूँ। और एक लाइव शेल आया था पाकिस्तान तरफ से, गोला पड़ा था इधर शी फार्म में। तो आज आर्मी वालों ने मिलकर एक ऑपरेशन किया, इसको डिस्ट्रॉय किया है, जिसकी वजह से हमारे शी फार्म वो आसपास जितने भी लोग हैं इनको बहुत फ़ायदा हुआ है इस चीज़ का, क्योंकि अब हम इसमें हल चलाएंगे, कहीं ट्रैक्टर के नीचे ही आ जाता तो जाने जा सकती थी, इसलिए हमने इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आर्मी रेस वालों का, जिन्होंने स्पेशल टीम आज मंगवा के यहाँ पर इसको डिस्ट्रॉय किया। आए दिन यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से शैल आते रहते हैं, फटते रहते हैं। और यहाँ जो मार्टर पड़ा था पाकिस्तान की शैलिंग से, वो आर्मी रेस वालों ने यहाँ आज नकारा किया है, जिससे अपनी बहुत बड़ी रिस्क लेकर आर्मी वालों ने, जिससे हमारे यहाँ लोकल लोग और मुलाजम दिगर मवेशी की जान हफाजत में हुई और बच गए। मेरे सहयोगी राहुल वर्मा के साथ जिला राजौरी के नौशेरा सेक्टर के पुखरनी गांव से हेडलाइंस इंडिया के लिए मैं अंकित केसर।